हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का स्वागत है मास्टर मीडिया के चैनल पे। और ये रहा सलमान खान की तरफ से एक नया प्रोडक्ट, सॉरी रियलमी की तरफ से एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है रियलमी 6। और भाई का फ़ोन है तो मेरे को लगा कि चलो भाई वाला फीचर है तो ज़रा ले लेते है ना। जब से शायद भाई को इन लोग ने हायर किया तो भाई जैसा कुछ तो रहेगा फ़ोन के अंदर, तो मैंने खरीद लिया। गाइस ये जो है ये पहला यूनिट है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और रियलमी 6 प्रो भी बहुत जल्दी मैं सलमान खान से लेने वाला हूँ। सो वो भी आपका रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहे चैनल के साथ, 13 तारीख को लॉन्च होगा, ठीक है। सो यार अभी ना इस बिल को ना थोड़ा सा फाड़ने के लिए ना मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, जस्ट बिकॉज कि आप जानते हो कि लास्ट टाइम पोको के साथ क्या हुआ था मेरा, कि मैंने बीच में से फाड़ा था तो वो पूरा बिल ही फट गया था बीच में से। मतलब ये सो थोड़ा सा डर डर के मैंने बोला चलो अभी तो कोई और वे दिख नहीं रहा तो चलो ऐसे ही काट लेते। मैंने इसको इसी तरह से काट दिया बीच में से, एंड यहाँ पर सेफली जो है मेरा बिल भाई सही सलामत रह गया, कोई दिक्कत नहीं था फाइनली। बट इस बार बिल में सही से ढंग से प्रिंट नहीं करके दिया मुझे, सो मुझे भी इनवॉइस बिल से काम चलाना पड़ेगा। मतलब सेंस ही नहीं बनाना, पहले फट गया था और अब नहीं फटा, तो मतलब क्वालिटी बेकार है बिल की। अगर इस यहाँ पर देख सकते हो रियलमी 6 नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन, ठीक है। और यहाँ पर पूरी तरह से इन लोगों ने अच्छे खासा सील करके दिया है, एंड क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि भाई की जो है शादी हुई नहीं है ना, तो मतलब मेरे भूलने का मतलब कुछ ऐसा गलत वे से मत लेना दोस्तों, ठीक है। अनबॉक्सिंग एंजॉय करो, ठीक है। ये मैंने खोल दिया, मतलब अभी हम लोग का ब्लेड से बाकी का जो बचा कुछ सील है उसको भी काट देते हैं ना, सो काट लेते फटाफट। तो गाइस इसी तरह से हिलाने के बाद, इसी तरह से हाँ कुछ देर ये करने के बाद जो है फ़ोन का डब्बा फाइनली बाहर आ गया। और यहाँ पर है वेलकम टू रियलमी फैमिली, पता नहीं कितने बार मुझे गोद में लेगा तू भाई। मैं बहुत बार मेरे पास सेम है ना, मतलब मैंने कई बार लिया। सो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर भाई के लिए कवर भी है, और भाई को कवर की तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है बट है कवर, एंड काफ़ी बेहतरीन कवर है, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन दे देगा। सो इसको ज़रा मैं साइड में कर लूँ, एंड ज़रा अंदर बॉक्स के अंदर में देखने को मिल जाता है फ़ोन, ठीक है। और इस पर हम बात में आएंगे, ठीक है, इस पर हम बाद में आएंगे। ज़रा इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिल जाता है वो भी देख ले। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है फास्ट चार्जर, 30 वॉट का फास्ट चार्जर। और यार ये ना एक मैं सच्ची बता रहा हूँ, रियल मी ने ना ट्रेंड चालू कर दिया, लिटरली बता रहा हूँ। 13,000 में भाई 30 वॉट का फास्ट चार्जर, मेरे भाई इस तरह रियलमी ने एक ऐसा बेंच मार्क यहाँ पर डाल दिया ना कि लाइक अब सारी कंपनीज को अगर कुछ करना है तो रियलमी जैसा बनना पड़ेगा, और इसी प्राइस में या शायद 1,000 एक्स्ट्रा भी ले ले बट इसी तरह का फास्ट चार्जर आपको देना पड़ेगा भाई, तब भी बॉस आप रियलमी के क्लोज आ पाओगे। बिकॉज रियलमी जो है ना ये फास्ट चार्जिंग वाला ट्रेंड बहुत कड़क कर लिया है। और गाइस ये रहा फ़ोन, एंड धीरे धीरे निकालते हैं ना। और यहाँ पर काफ़ी मस्त लग रहा है, ब्लू कलर लिया यार, मैं एक्चुअली व्हाइट लेने वाला था बट मेरे पास सारे रियलमी के प्रोडक्ट्स व्हाइट कलर के थे, सो मैंने बोल दिया कि इट्स गुड। और काफ़ी अच्छा खासा ग्लॉसी है, एंड यार बहुत सही लग रहा है। और यहाँ पर फिनिशिंग जो है थोड़ा सा काइंड ऑफ नीचे से ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, सो अच्छा लग रहा है दिखने में। लेफ्ट हैंड साइड में गाइस देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। और ये वाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो एक्चुअली फ्रेंकली बताऊँ ना, देखो ये मैं अगर कंपेयर करूँ पोको के एक्स टू से तो दोनों में ही आपको साइड में देखने को मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। और यहाँ पर दोनों ही न्यू जनरेशन का, तो इन लोग का जो बोलता ना कि जो अनलॉक स्पीड है वो भी काफ़ी फास्ट होगा। और कैसे अगर मैं साइज से कंपेरिजन कर ले तो देखो रियलमी 6 जो है थोड़ा सा छोटा लगता है आपको वैसे कंपेरेटिवली हमारे पोको के एक्स2। ऑब्वियसली डिस्प्ले स्क्रीन पे थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आगे पीछे से थोड़ा सा छोटा सा लगता है। सो या ओवरऑल ये जो है मतलब फ़ोन को एक बार हम बूट कर लेते हैं और लेट्स सी। मैं क्या एक्चुअली गाइस मैं फटाक से बूट करता हूँ, फिर मैं क्विकली इसको सेटअप करता हूँ, राइट, एंड हम लोग फिर चलते हैं हमारे होम पेज पे। और यार मुझे रियलमी के फ़ोन्स में एक और चीज़ बहुत पसंद है जो कि है इसका एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, मतलब इसमें एक पहले से एक स्क्रीन प्रोटेक्टर एक लगा हुआ है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर आप समझो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए तो है आपका जो स्क्रीन है थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेगा। और चलो तो ये बूट होता था, मैं कुछ स्पेक्स बताता हूँ कि इसमें लगा हुआ है मीडियाटेक का G90T प्रोसेसर पेयर विद 90Hz डिस्प्ले, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है ऑन अ बजट स्मार्टफोन। एंड यहाँ पर रियलमी UI देखने को मिल जाता है गाइस, और ये शायद सेकेंड या थर्ड फ़ोन होगा जिसमें आपको रियलमी UI मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। सो ये बहुत ही अच्छा, और गाइस फ़ोन में भर के ब्लोटवेयर है, मतलब रियलमी UI में मतलब देखो मतलब UC ब्राउजर पता नहीं कौन सा न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड सब डाल के रखा है इन लोग ने, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और गाइस यहाँ पर हमें पहले से ये देखने को नहीं मिलता, मतलब हमारा जो डिस्प्ले का रिफ्रेश डिस्प्ले का जो हर्ट्स है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे मालूम पड़ा था कि 60 पे चल रहा था, जैसे 90Hz पे मैंने उसको स्विच कर दिया, ठीक है।
सो यहाँ पर आपको और गाइस ये सेटिंग जो है आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में ही मिल जाएगी। सो ये एक हमने चेंज कर दिया, उसके बाद जो हल्का सा मुझे फ्लुएंट लगा, और शुरुआत में जो है ना फिर भी मुझे इतना मतलब 90 वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, बट फिर धीरे 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 करके थोड़ा सा फ़ोन जो है अपने आप में सेटअप हो रहा था, तो थोड़ा टाइम लगा, बट फिर थोड़ी देर बाद ना एकदम वो स्टेबल हो गया और काफ़ी अच्छे से जो है 90 हर्ट्ज़ पैनल जो है वर्क करना स्टार्ट कर गया। और गाइस यहाँ पर आप सामने देख सकते हो पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है आपको, और ये जो है आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा ये पंच होल डिस्प्ले। और यहाँ पर गाइस मैंने एक बार मैं कैमरा सेटअप की बात कर लूँ, और यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज निकाले, सो आप देख सकते हो कि जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मैं इंप्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ यार प्राइसिंग को देख के बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया। और राइस यहाँ पर रेडमी नोट 8 प्रो का हम एक कंपैरिजन भी लेके आने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दो कि भाई आपको रेडमी के नोट 8 प्रो से कंपैरिजन करना मतलब आपको देखना है। 9 से तो करूँगा भाई, 9 को आ जाने दो, ठीक है 9 को आ जाने दो, वो रणवीर सिंह का है ना, आ जाने दो, उसके साथ भी अपन कर लेंगे कंपैरिजन, ठीक है। सो ओवरऑल कैसे मैंने एक फिंगरप्रिंट डाल दिया, तो चलो एक बार टेस्ट करते हैं और देखते कि ये जो है कितना मस्त वे से काम करता है जो साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट स्कैनर है। सो ये जो है एवरी टाइम देख सकते हो आप इजीली ये वर्क कर जा रहा है, मतलब देख सकते हो आप। सो ईच टाइम इसका और एक और चीज़ मुझे एक्चुअली जो इसका जो ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये मुझे पोको के X2 से बेटर लगा। यस मुझे पोको के X2 से बेटर लगा, बिकॉज पोको के X2 में कैसे मान लो आप टच करोगे ना सिर्फ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट को सिर्फ टच करोगे ना तो वो काम नहीं करेगा, आपको दबाना पड़ता है लिटरली, बट इसमें कैसे मालूम है सिर्फ आप टच भी कर दोगे ना हल्का सा तो भी वो अनलॉक हो जाएगा। और इसका जो रिस्पॉन्स है ना ये भी काफ़ी फास्ट है, और एक हल्का सा वाइब्रेट मतलब फीडबैक आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा इंप्रेसिव चीज़ मुझे लगा। सो ओवरऑल फिंगरप्रिंट में तो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। और वैसे यहाँ पर एक और चीज़, फ़ोन तो लुक वाइज बहुत ही कड़क है, आई डू एग्री, लेकिन यार वो ना प्रीमियम वाली फीलिंग मुझे नहीं आ रही है। अब मुझे पता है कि रेडमी फ़ोन जो है मतलब वो ग्लास पे आता है और ये जो है प्लास्टिक पे आता है, मतलब जो रियलमी 6 है बेसिकली प्लास्टिक बॉडी है और ये जो है रेडमी का नोटेड ग्लास बॉडी है, बट स्टिल इसमें जो है प्रीमियमनेस आपको जो फीलिंग है ना वो नहीं मिल पाएगी, ये मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया इस फ़ोन में। बट ओवरऑल गाइस लेकिन ऐसा नहीं कि बुरा नहीं है दिखने में। और गाइस एक बार मैं ये जो कवर इसमें इसकी अगर मैं फिटिंग बता दूँ तो ये भी काफ़ी अच्छे से फिट हो गया था, एंड यहाँ पर आप ज़रा देख सकते हो साइड में, एंड यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कैमरा बम्प है वहाँ पर भी मैंने अच्छे से जब उसको देखा सो वहाँ पर भी जो कैमरा काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हो गया था, और जो लेंस है वो काफ़ी हद तक मतलब उसके ऊपर ही जो है कवर सपोर्ट कर रहे थे, सो एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो प्रोटेक्टर है मतलब इससे आप कुछ टाइम तक अपने आप को सेफ मतलब अपने फ़ोन को सेफ जरूर रख सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई रहेगी, और ये रहा रियलमी 6 और इसका हम लोग करेंगे फटाफट एक बहुत सारा रिव्यू, एंड रेडमी नोट 9 से भी कर लेंगे, रेडमी नोट 8 से भी कर लेंगे। नीचे कमेंट करो आपको किसके इसको रिव्यू देखना है, सो हम वैसा बना देंगे, ठीक है। चलो मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा गाइस, बाय बाय।